हेलो केयूपी वाई एस्पिरेंट्स। सो दिस वीडियो रिगार्डिंग द केयूपी वाई एग्जाम एंड आपको जो है क्या क्या वहां पे लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है और क्या आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है। और जो भी बच्चे 10th पास करके इस बार 11th वाले जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने वाले हैं, तो यार बेसिकली उन लोगों ने जो एग्जाम दिया नहीं होगा स्पेशली कंप्यूटर वगैरह पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये क्वारी आ रहा था कि भैया हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता तो हम कैसे एग्जाम दे पाएंगे, तो इसी का मैं सोल्यूशन करने आया हूँ। तो यार बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, या जैसे कि मैंने जो एडमिट कार्ड प्रिंट कर रखा है आप ऊपर वाला एक पेज प्रिंट कर ले, चाहे तो आप दो पेज भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। वो ऊपर वाला मैं नहीं दिखा सकता, फॉर जस्ट लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन दिस एडमिट कार्ड जस्ट लाइक नाम एंड सिटी एंड अदर जो भी आपको दिया गया। ओके सो जस्ट यहाँ पे सिंपल पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको जो है हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मेरे को भैया कितने पेज प्रिंट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो है 3 पेज दिए गए एडमिट कार्ड के। सो यार आप जो है एक पेज ऊपर वाला जो एक पेज है आपका जिसमें फोटो लगा है और सेंटर का नाम लगा है, आप अगर एक पेज वो भी ले जाते हैं तो भी चलेगा, वरना आप मैक्सिमम 2 पेज ले जा सकते हैं, यानी कि उसके पीछे भी जो है आगे वाला फॉर्मेट प्रिंट करा सकते हैं या फिर उसके साथ में एक पेज भी अटैच कर सकते हैं, वो ठीक है। तो आप लोग को जो है पहले तो एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जो आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आपको कोई भी अपनी आइडेंटिटी लेके जानी है, आईडी कार्ड। सो आईडी कार्ड में आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, एक आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। अब यार बहुत सारे बच्चों ने जो आधार कार्ड बहुत पहले बनाया होगा, स्पेशली बहुत सारे लोग जो है आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया होगा, तो फोटो तो पता नहीं कैसी ही दिख रही होगी, आप अभी कैसे ही दिख रहे होंगे, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपका आधार कार्ड तो आपको वैसे लेके ही जाना है, अगर आपके आधार कार्ड में जो आपकी फोटो मैच नहीं हो रही है जो कि आपकी अभी है जो कि आधार कार्ड में अपडेट नहीं है, देन उस कंडीशन पे जो है आप आधार कार्ड के साथ में आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका कोई भी आपका अगर आईडी कार्ड वगैरह हो तो वो जो है उसके ऊपर जो आपका जो फोटो है वो सेम टू सेम अगर है उसके जैसे आप दिखते हैं देन जो है आप वो लेके जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं स्पेशली मैथमेटिक्स वगैरह के लिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटर का क्या सीन रहेगा, चार कैलकुलेटर वगैरह वहां पे ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ कंप्यूटर पे जो है वर्चुअल कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो जो है आप उस पे जो है कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, कीबोर्ड से वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल है वहां पे। ओके एंड यहाँ पे जस्ट लाइक दिया गया है मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट पोर्टेबल डिस्क एंड पेन ड्राइव डेटा कार्ड इन साइड द एग्जामिनेशन हॉल इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड, यानी कि जो है आपको ये सारे के सारे नहीं लेके जाने, एंड देयर आर नो प्रोविजंस फॉर सेफ कस्टडी एट द टेस्ट सेंटर्स। ओके एंड अब अपन बात करते हैं देन कैंडिडेट जो है एटलीस्ट 11 बजे तक यानी कि 90 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो है कम से कम आपको 90 मिनट तो वहां पे रहना ही पड़ेगा। और जस्ट आगे अपन बात करते हैं इंस्ट्रक्शन गिवन हेयर मस्ट बी ट्रेड एज फाइनल। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं देन जो हमें सेकंड पेज तो दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। यार आपका जो टेस्ट होने वाला है पेपर इज 2 पार्ट्स। ओके देन जस्ट लाइक 100 मार्क्स देयर आर 60 क्वेश्चन एंड 1 मार्क इज 20 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स ओके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं एक एक मार्क के, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 2-2 मार्क के। फिजिक्स में भी सेम यानी कि 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटली जो है आपका होने वाला है 100 क्वेश्चन राइट, 20-20-40-60-80 हो गया क्या, 20-20-40-20-60-20-80 राइट। ओके देयर आर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स एंड आंसर क्वेश्चन विल नॉट बी इवेलुएट एंड विल नॉट बी पेनलाइज एज ए रॉन्ग आंसर एंड इच करेक्ट आंसर गेट 1 मार्क फॉर इच इनकरेक्ट आंसर 0.25 मार्क विल बी डिटेक्टेड। ओके द एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द मॉक टेस्ट विच अवेलेबल ऑन द क्यूपीवाई वेबसाइट। अब यार मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट कंसर्न बता दूं जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की है कंप्यूटर पे कभी, सो जस्ट यार वहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको सिर्फ एक पोर्टल दिया जाएगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्यूपीवाई ही चलेगा और कुछ भी नहीं खुलेगा, आप कीबोर्ड के कहीं भी कितना ही बटन क्यों ना दबा लो वो ही एक ही वेबसाइट रहेगी और कुछ भी नहीं खुल पाएगा। तो जस्ट आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें, आपके पास एक रिमोट रहेगा एक कीबोर्ड रहेगा और जस्ट आपको जो है सिंपल वहां पे जो है एक एक रूम के अंदर कम से कम 3 से 4 इंस्ट्रक्टर रहते हैं, स्पेशली केयूपीवाई वाले जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, देन उनकी जो है पूरी की पूरी हेल्प की जाती है वहां पे जो भी टीम अवेलेबल होती है। अब यार एक ये कंडीशन है कि बहुत सारे जो है अभी ऑल ओवर द इंडिया के अंदर केसेस कोविड के फिर से बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जो है ये बिल्कुल याद रखें कि आपको जो है मास्क लगा के जाना है बिल्कुल प्रॉपरली, और एक मास्क आप साथ में लेके जाएं, एंड जो है एक अच्छा मास्क आपको जो है वहीं पे भी प्रोवाइड भी किया जाता है, एंड आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। आप जस्ट अपना जो है पर्सनल सैनिटाइजर भी लेके जा सकते हैं, एंड आप पानी का बोतल भी लेके जाएं, और जस्ट अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड एंड दो अदर आइटम विल बी अवेलेबल। आप अदर आइटम नहीं लेके जा सकते, एंड जस्ट जो है कैंडिडेट अगर COVID-19 सिम्टम्स अगर शो होते हैं देन दिस इज नॉट अलाउड इट, एंड टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड एट द एंट्री रूम एंड ऑफ द, ये सारी की सारी सिंपल डिटेल दी गई है। अब यार ये जो है ये क्या सीन है वो सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होगा, और उन लोगों ने वहाँ पे जो है यार आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जस्ट लाइक कफ या फिर रनी नोइस या फिर फेवर या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, देन आप प्लीज इसको जो है चूज ना करें, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसको ऐसे खाली छोड़े बिल्कुल भी टिक ना करें, एंड जस्ट लाइक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला ये जो है फॉर्म जरूर लेके जाए, वहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख दें, कैंडिडेट का रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम सेंटर नेम और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो इस प्रकार से सारा का सारा सीन है ये। ओके गाइस, और यार आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जो है आठ जो नंबर होते हैं 8 डिजिट का नंबर होता है, जिन भी लोगों को पता नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म यूजर आईडी भूल चुके हैं, यार आपका जो 8 डिजिट का एक नंबर होता है आप उससे जो है पासवर्ड के साथ लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर सकते हो। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, एंड आई विल फुल्ली माय टीम आपको जो है पूरी हेल्प करेगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।